हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिश्रुति हियर। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। इन द फर्स्ट पार्ट हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड के हिस्टोरिकल, सोशल एंड लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। एंड इन द लिटरेरी बैकग्राउंड हमने पोएट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज़ योर पैगन पोएट्री एंड क्रिश्चियन पोएट्री। सो इन दिस पीरियड हम उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। सो इन द पैगन पोएट्री फर्स्ट कम्स योर बेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फेमस भी है अप टू येट। ओके, तो बेल्स जो है, दिस इज इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट एक्सटेंट नेशनल एपिक एंड इट वॉज एनोनिमसली रिटन। जैसे कि मैंने कहा था, इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड देयर इज द एनोनिमिटी ऑफ राइटिंग। पहले जो पब्लिश नहीं करते थे तो पता नहीं चलता था कि हु हैज़ रिटेन दिस। बाद में उनकी राइटिंग स्टाइल देख के सपोज किया जाता था कि नो, दिस मे बी रिटेन बाय समवन, दिस वन, ओके, लाइक दैट। सो देयर इज द एनोनिमिटी ऑफ राइटिंग। तो बेओल्फ को माना जाता है कि पॉसिबली इट वॉज रिटेन बाय मॉन्क, ओके, एंड दिस इज कंटेन इन बेओल्फ मैनुस्क्रिप्ट ऑफ 3182 लाइन्स। एंड इन द मॉडर्न एज, इन द ईयर 1936, इन ए लेक्चर जे आर आर टॉल्किन, उन्होंने बेओल्फ को रिप्रेजेंट किया है एज बेओल्फ द मॉन्स्टर एंड द क्रिटिक्स। एंड ऑल्सो सीमस हिने इन मॉडर्न एज ट्रांसलेटेड बेओल्फ। तो समझ सकते हो कितनी फेमस होगी, इज़न्ट इट। देन बेओल्फ जो है, दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट इट टॉक्स अबाउट किलिंग ऑफ ग्रैंडल, जो कि एक मॉन्स्टर है, एंड हु अटैक्स ह्योरॉट, द हॉल ऑफ डेनिश किंग क्रोधगर, ओके, एंड ग्रैंडल्स मदर इज ऑल्सो किल्ड। एंड इन द सेकेंड पार्ट इट टॉक्स अबाउट बेओल्फ्स किलिंग ऑफ ए ड्रैगन एंड हिज डेथ। सो इन दिस वे इट हैज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट। तो जैसे कि इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसकी थोड़ी समरी भी देख लेंगे, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समरी क्या कहती है कि ह्रोदगर, हु इज द किंग ऑफ डेनमार्क, वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ किंग सिलसिप्शन। अब ये सिलसिप्शन क्या है, कौन है, ही इज द फादर ऑफ बेओल्फ, ओके, एंड ह्रोदगर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ सिलसिप्शन एंड ह्रोदगर वॉज द किंग ऑफ डेनमार्क, क्लियर। देन ह्रोदगर ही बिल्ड एक हॉल कॉल्ड ह्योरॉट वेयर सोल्जर्स ड्रिंक एंजॉय एंड लिसन टू पोएट्स, ओके। देन इन हिज किंगडम ह्रोदगर एक ह्योरॉट बिल्ड किए थे, जहाँ पर कि सोल्जर्स दे यूज टू मैरी मेक, एंड नियर बाय एक ग्रैंडेल होता था, एक मॉन्स्टर, ओके। तो जब वो मेरी मेकिंग करते थे, जब वो एंजॉय करते थे, तो वो नॉइजी आवाज़ सुन के, ओके, उसकी वॉयस सुन के, दिस ग्रैंडेल ही बिकम्स एंग्री, ओके, एंड ही यूज टू फ्राइटेन देम, ओके। तो जबकि ग्रैंडेल रेगुलरली उनको फ्राइटेन करने लगता है, तो सोल्जर्स, उनकी जो रेगुलर काम होता है मेरी मेकिंग करना, एंजॉय करना, वो बंद हो जाती है। तो बेओल्फ इन वन डे ही केम टू रेस्क्यू डेंस फ्रॉम ग्रैंडेल, ओके, एंड ह्रोदगर हेल्ड ए फिस्ट इन हिज ऑनर, क्लियर। देन अनफोर्थ गेव हिम ए शॉर्ट रंटिंग। जब बेओल्फ आते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, देन अनफोर्थ, हु वॉज ए मेंबर ऑफ ह्रोदगर कोर्ट, ही गेव हिम ए स्वॉर्ड नेम्ड रंटिंग, ओके। ऑल्दो द स्वॉर्ड पोजेस्ड ग्रेट पावर एंड वॉज क्लेम्ड टू हैव नेवर फेल्ड एनी वन हु यूज्ड इट, व्हेन बेओल्फ descended to the bottom of the lake to fight Grendel's mother, the sword proved ineffective. Okay, तो आज की हंडिंग बहुत ही पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। स्टील जब बेओल्फ यूज करते हैं बैटल में, तो इट प्रूव्ड ineffective, वो फेल हो जाती है वो sword. Okay, then बेओल्फ he fought with Grendel without any weapons, Beowulf Grendel के साथ fight करते हैं, and in the last tore an arm off and hung it high off in the hall, died. Okay, Beowulf as a sign of victory Grendel को दो part करके divide करके hall में ऐसे hang कर देते हैं, as a sign of victory. Okay, then Grendel's mother attacked the king to seek revenge and kill Aster. Okay, then after the death of Grendel, Grendel's mother, she became angry and revenge लेने के लिए she killed Aster, who is Aster, assistant of Hrothgar. Hrothgar की assistant Aster को मार देते हैं, ठीक है, kill कर देते हैं. Then Beowulf killed her. Then Beowulf again killed
Grendel's mother. Okay, then Hrothgar gifted the sword Negling to Beowulf. Then at last Hrothgar again gifted his sword named Negling to Beowulf. Okay, then Beowulf returned to his kingdom Jutland. This is the end of your first part. ओके तो ये सब आपको याद रखना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्वॉर्ड. ओके बियॉल्फ इज द किंग ऑफ जीटलैंड, हु इज रोदगर, हु इज सिल्सिप्शन, ये सब आपको याद रखना है. राइट, नेक्स्ट, जीटलैंड वाज अटैक्ड बाय ड्रैगन. देन आफ्टर सम डेज जीटलैंड वाज अटैक्ड बाय ड्रैगन. ए स्लेव ट्राइड टू स्टील ट्रेजर्स फ्रॉम ड्रैगन. क्यों? क्योंकि इन जीटलैंड ए स्लेव He tried to steal treasures from dragon. Then dragon attacked Jutland. Then Beowulf again fought but died at last. Then a Jutish woman lamented his death. So this is all about Beowulf, जहाँ पर कि Beowulf की selfishness and उनकी adventures के बारे में describe किया गया है, isn't it? Then next important work is Widsith. What is Widsith? This means the far traveler. ओके एंड दिस इज कंटेन इन एस्केटर मैनुस्क्रिप्ट ऑफ 143 लाइन्स. तो एक बहुत ही छोटा सा है 143 लाइन्स. एंड व्हाट वाज द प्लॉट? दैट इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए मिनस्ट्रेल और स्कूफ हु टेल्स हिज स्टोरी ऑफ लॉन्ग ट्रैवल्स थ्रू आउट द जर्मनिक वर्ल्ड. तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है एंड जहाँ पर कि एक मिनस्ट्रेल और स्कूफ ही टेल्स हिज स्टोरी और हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही ट्रैवल्स throughout the Germanic world. Okay, next important work is Waldeyr. Okay, Waldeyr is about a hero named Walter of Aquitaine. Aquitaine is the name of a place and the king or the hero of Aquitaine is Walter. Okay, and in Waldeyr, this is about Hildegund and Walter. Okay, unki Hildegund एंड Walter की स्टोरी है जहाँ पर दे एस्केप फ्रॉम ए प्रीजन एंड एट लास्ट दे बोथ गॉट मैरिड. ओके वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट प्रीजन? दैट इज कोर्ट ऑफ अटीला, डू रिमेंबर? ओके एंड दिस इज डिवाइडेड इन टू टू फ्रैगमेंट्स. इन द फर्स्ट फ्रैगमेंट्स दैट इज ऑफ 32 लाइन्स एंड द सेकेंड फ्रैगमेंट दैट इज ऑफ 31 लाइन्स. ओके देन नेक्स्ट वर्क इज द बैटल ऑफ ड्रूनानबर्ग. This is the battle between Aethelstan, who is the king of Mercia and Wallach, and the combined forces of Olaf, Orsman, and Constantine, the king of Scots, in 937 AD. Okay, so this is the battle between Aethelstan and the combined force of Olaf, Orsman, and Constantine. Okay, and this is held in 937 AD. Okay, and in this battle, Aethelstan won the battle, and this is preserved in Anglo-Saxon Chronicle. Clear? Next important work is the Battle of Maldon. Okay, and in the Battle of Maldon, it is between the English and Danes. Okay, this battle is between English and Danes, and it was fought at Maldon, जो कि एक जगह की नाम है, and in the year 991 AD. Clear? Then in this battle, English were defeated. Okay, it deals with the great valor of the English chief Brythonoth. Okay, and in this story or in this work, Brythonoth ke bare mein describe kiya gaya hai how he sacrificed his life in his war. Unki adventure, unki bravery ke bare mein description hai. Theek hai? Next important work is the fight at Finnsburg. Okay. The fight at Finnsburg, this is of 50 lines, okay, and this war or this fight held for 5 days, okay, and in this work, this is the attack of Finn upon his Danish guest. Okay, clear? Then the important work is The Wanderer. What is The Wanderer? That this is an elegy of 115 lines, okay, and it was narrated by man who has lost his master and is in search of a new master. Okay, and यहाँ पर जो narration है, जो narrate किए हैं, that a man, एक loyal servant है, who has lost his master and now he is in search of a new master and he is wandering, and that's why इसका नाम दिया गया है The Wanderer, isn't it?
द एम्प्टीनेस एंड वायलेंस ऑफ द सी सिग्निफाइज द फेल्यूर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. जैसे कि मैंने कहा था कि इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड नेचर को कोई रोमांटिक या सूथिंग जैसे उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता था, रादर इट वॉज प्रेजेंटेड एज बेनिवोलेंट फ्यूरियस, इजंट इट. तो यहाँ पर भी सी सिग्निफाइज द फेल्यूर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इट एंड्स विद ए क्रिश्चियन बिलीफ दैट मैन हु हैज फेथ इन गॉड इज द बेस्ट मैन, राइट. देन द इम्पोर्टेंट वर्क इज द सी फेरर. इट इज ऑफ 120 लाइन्स प्रिजर्व्ड इन एस्केटर बुक एंड अपेरेंटली ए डायलॉग बिटवीन ए वेटरन मैरिनर एंड ए यंग मैन. द सी फेरर, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन ए वेटरन मैरिनर एंड ए यंग बॉय. जो वेटरन मैरिनर है, जो ओल्ड मैन है, वो सी के जो स्ट्रगल सफरिंग्स के बारे में बोलता है एंड जो यंग बॉय है वो अपनी यंग एज की जो पावर, एडवेंचर्स, ब्रेवरी को लेके ही इज ब्रेव एनफ टू फेस एनी काइंड ऑफ एडवेंचर्स, एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल. ओके, तो इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन है, कैसे उनकी दोनों की ओपिनियन जो है वो कंट्रास्ट करती रहती है. ओके, जो ओल्ड मैन है वो अपनी एक्सपीरियंस को लेके बोलता है एंड जो यंग बॉय है वो अपनी यंग एज की जो सुपीरियरिटी है, उसकी जो ब्रेवरी है, उसके ऊपर बोलता है. ठीक है. द मैरिनर टॉक्स अबाउट द सफरिंग्स एट सी व्हाइल द यंग बॉय इज ब्रेव एनफ टू फेस एनी चैलेंज, राइट. नेक्स्ट, डेयर्स लैमेंट. डेयर्स लैमेंट क्या है? दिस इज ऑफ 42 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 7 ऑन इक्वल सेक्शंस. ओके, ए लॉयल एंड डेडिकेटेड स्कोप हु हैज बीन थ्रोन आउट बाय हिज मास्टर लैमेंट्स ओवर हिज फेट. ये भी एक लॉयल एंड डेडिकेटेड सर्वेंट है, स्कोप है, हु हैज बीन थ्रोन बाय हिज मास्टर एंड नाउ ही इज लैमेंटिंग ओवर हिज फेट. ओके, एंड ही इज ट्राइंग टू कंसोल हिमसेल्फ बाय रिकॉलिंग द मिसफॉर्चून्स ऑफ गॉड्स एंड हीरोज. ठीक है, एंड दिस इज प्रिजर्व्ड इन एस्केटर बुक एंड ये डेयर्स लैमेंट एंड्स विथ रेफरेन दैट द पास्ट अवे सो मै दिस हिज सरो पास्ट अवे सो विल माइन. इंटरेस्टिंग इज इट. तो ये रेफरेन के साथ ये एंड होती है. नेक्स्ट इज यू द वाइफ्स लैमेंट. द वाइफ्स लैमेंट, दिस इज प्रिजर्व्ड इन एस्केटर बुक एंड दिस इज द लैमेंटेशन ऑफ ए वोमेन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड बैनिस्ड टू द वाइल्डरनेस. एक वोमेन जो कि अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई है, नाउ ही इज लैमेंटिंग. दिस इज ऑल अबाउट द वाइफ्स लैमेंट. देन उल्फ एंड एडवर्सर, दिस इज ऑफ 18 लाइन्स एंड प्रिजर्व्ड इन एस्केटर बुक एंड ए वोमेन हु इज इम्प्रिजन्ड इन ए फॉरेन लैंड लॉन्ग्स फॉर हर लवर उल्फ. एक वोमेन जो कि एक फॉरेन लैंड में इम्प्रिजन्ड है एंड सी इज लॉन्गिंग फॉर हर लवर उल्फ एंड एडवाइसर इज हर टिरानिकल हस्बैंड. ओके, एंड दिस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे? क्योंकि इन द होल स्टोरी इट वॉज नरेटेड बाय द वोमेन एंड सी इज लॉन्गिंग फॉर हर लवर एंड वेटिंग फॉर हर लवर उल्फ इन द होल स्टोरी. ओके, देन द हजबेंड्स मैसेज, दिस इज द सीक्वल टू द वाइफ्स लैमेंट. ओके, एंड दिस इज प्रिजर्व्ड इन एस्केटर बुक. हजबैंड राइट्स ए मैसेज एनग्रेव्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड फॉर हिज वेटिंग वाइफ. जहाँ पर कि हजबैंड वो अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज लिखता है इन ए पीस ऑफ वुड एंड वट ही हैज सेड इन दैट पीस ऑफ वुड दैट ही हैज मेड ए होम फॉर दैम in abroad and when the spring will come you too do come back. Okay, in the message he has written that he has built a new home for him in abroad and requested his wife to arrive when the spring will come. Clear. Next we will move to Christian poetry. In Christian poetry first comes your Caedmon. Okay, who is Caedmon? He is a 7th century Northumbrian poet and he is the father of Old English poetry. Do remember that Caedmon is the father of Old English poetry. Agar aapko pucha gaya ki who is the father of English poetry, then you know that is Chaucer, but Caedmon is the father of Old English poetry. Okay, then we know his life from Bede's Ecclesiastical History of English People. Bahut hi interesting hai inki life story. Kyun? Kyunki कैडमन जो ये पहले एक इलिटरेट सफार थे, एक इलिटरेट सफार थे एंड लेटर ही बिकम ए पोएट बाय द ब्लेस्ड ऑफ गॉड. कैसे?
क्या होता था, एक दिन कैडमन ही वॉज स्लीपिंग एंड इन हिज ड्रीम एक डिवाइन पावर, एक डिवाइन गॉड इमर्ज होते हैं एंड वो बोलते हैं टू सिंग समथिंग. ओके, देन कैडमन बोलते हैं कि नो हाउ कैन आई सिंग, आई एम एन इलिटरेट सफर. देन द डिवाइन गॉड वो बोलते हैं कि नो यू हैव टू सिंग एंड सिंग मी द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन. दिस इज द एग्जैक्ट लाइन व्हाट ही हैज सेड दैट सिंग मी द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन. देन कैडमन ही स्टार्टेड सिंगिंग. ओके, एंड कंटिन्यूसली ओके इट स्टार्टेड फॉलिंग वर्स इन इट्स सोल एंड वो बोल देते हैं एंड अगेन उनको रियलाइज होता है कि नो सी हैज ऑल्सो सम स्पिरिचुअल पावर इजंट इट. एंड लेटर जो भी वो बोले होते हैं उसको पेन डाउन कर देते हैं एंड ही बिकम ए पॉइट. इंटरेस्टिंग इजंट इट. ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्शन मिल्टन, ही इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्शन मिल्टन, डू रिमेंबर. एंड ओके, एंड हिज वर्क्स आर Genesis, Exodus, Daniel, Priest and Satan and Judith. Five works. Okay. And one attributed poems, that is paraphrase. Okay. And Judith, this is in Beowulf manuscript. And except Judith, these four are present in Junius manuscript. Clear? Okay. Then next important poet is, that is Cynewulf. Cynewulf is 8th century poet, was a Latin scholar, and his first poem is Riddles. Okay, and theme of his poems is transformation from biblical themes to the didactic, devotional and mystical. Okay, and first signed his poems in runic letters. This is important, do remember that he has first signed his poems in runic letters. Okay. Then his works are Juliana, Elena, Christ and the Fates of Apostles. And he was the first who had signed his works. पहले हमने देखा था कि there is the anonymity of writing, anonymously बोला जाता था. But Cynewulf was the only one who had signed his works. Okay, and जो attributed poems है, that is the Dream of the Rood, the Phoenix and Andreas. Right? Then some prose work, that is King Alfred, or you can say Alfred the Great. Okay, prose works. King Alfred, he is very much important क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी देखा, that is poetry, isn't it? Some lyrical poetry or elegiac poetry. But in prose work, there is only King Alfred. So he is very much important. He is the father of English prose and he is the king of Wessex. Come to the Thorney at a time when the state of learning in England was disheartening. Okay, so he is very much important and he translated five works. Okay, इन्होंने पांच works को translate किया है prose form में. So he is very much important. That is Pastoral Care by Pope Gregory, Consolation of Philosophy by Boethius, History of World by Orosius, Ecclesiastical History of English People by Bede and Soliloquies by Saint Augustine. Okay. Then Anglo-Saxon Chronicle. It was retained during Alfred's reign and it's available in 7 manuscripts. Okay. Then some important chronicles are Winchester Chronicle, Peterborough Chronicle, Abingdon Chronicle and Worcester Chronicle, etc. And in may say jo best hai, that is Peterborough and Winchester Chronicle. Okay. Then we will talk about Venerable Bede. Okay. Venerable Bede, he is mostly have Latin works and his famous work is Ecclesiastical History of English People. Do remember, this is important. And he has also wrote Chronology of Christian Era, a Treatise of Meter, a Martyrology, etc. Okay. Then there is two homily writers and the first one is Alfric. Alfric, he is the abbot of Ensham and some is the name of a place. Okay, and he is the abbot of that and he has written two sermons. First one is Catholic Homilies and the Lives of the Saints. Okay, and the last one or the last is, that is Ulstan. Okay, Ulstan, he is the bishop of Worcester and archbishop of York. Okay, and his famous work is, famous homily is Sermolopi at Anglos, his famous homily. So this is all about Anglo-Saxon period.
ओके, आई होप सब क्लियर हो गया होगा. स्टिल अगर कोई भी डाउट रह गया है या फिर कन्फ्यूजन रह गया है, देन डू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ओके, आई विल रिप्लाई टू इट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. स्टे ट्यून्ड एंड ओके, थैंक यू सो मच.